please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और मोहित मल्होत्रा बड़ी खबर दे रहे हैं इस वक्त। पंजाब के गुरदासपुर में कस्बा डेरा बाबा नानक में शराब के कर्मचारियों की गाड़ी ने बाइक सवार दो लड़कों को टक्कर मार दी और हादसे में दोनों बच्चों की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने शराब के ठेके को आग लगा दी और इसके बाद वहां जमकर हंगामा मच गया। भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की। घटना की खबर मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को काबू में करने की कोशिश की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जमकर आगजनी हुई है। घटना गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक की। मोहित मल्होत्रा फोन लाइन पर मौजूद है। मोहित, क्या ताजा हालात इस वक्त डेरा बाबा नानक कस्बे में बने हुए हैं? देखिए, अभी स्थिति वहां पर तनावपूर्ण है लेकिन कंट्रोल में है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि इस तरह से लोग भड़क गए हैं, तो उसके बाद पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची और पूरी हालात को काबू में ले लिया। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले जो भीड़ वहां पर काफी उग्र हो गई थी दो लड़कों की मौत के बाद, उन्होंने काफी जो वहां पर उनको आग लगा दी, जिनमें शराब के जो ठेकेदार वहां पर हैं उनके वाहन थे, उनकी दुकानें थी, उनको टारगेट किया गया और उनको आग लगा दी गई। तो जो पूरा विवाद था वो शराब ठेकेदारों और स्थानीय लोगों के बीच में था और इसी वजह से पूरा गुस्सा शराब के की जो वहां पर दुकानें थी उन पर और उनकी गाड़ियों पर निकाला गया है। हालांकि फिलहाल अब स्थिति वहां पर कंट्रोल में हो चुकी है, तनाव बना हुआ है, लेकिन पुलिस बल वहां पर भारी तादाद में पंजाब पुलिस के जवानों को लगा दिया गया है। लेकिन दो युवकों की मौत भी हो गई है, कार्रवाई पुलिस ने क्या की है? देखिए, अभी पुलिस की पहली कोशिश ये है कि पूरे जो वहां पर जो हालात है वो नियंत्रण में आए और तनाव जो वहां पर बना हुआ है वो खत्म हो। इसके अलावा जो दो लड़कों की मौत हुई है, जिसमें कहा जा रहा है कि शराब के ठेकेदारों ने अपनी गाड़ी से उन लड़कों को साइड मारी और उनके अपने वाहन से कुचल दिया, इस एंगल पर पूरी तफ्तीश की जा रही है। लेकिन पहली कोशिश ये है कि वहां पर माहौल शांत किया जा सके। शुक्रिया जानकारी। और दिल्ली से नजदीक गाजियाबाद से खबर, जहां पुलिस ने 12 दिनों से अगवा एक बच्चे को मुठभेड़ के बाद छुड़ा लिया है। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में बदमाशों से मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को मार गिराया गया, जबकि दो बदमाश इसमें घायल हो गए हैं। जिस बच्चे को पुलिस ने छुड़ाया उसका अपहरण 25 जनवरी को स्कूल जाते वक्त वैन से किया गया था। पुलिस को जानकारी मिली थी कि बदमाशों ने बच्चों को लोनी के बाद शालीमार गार्डन के एक अपार्टमेंट में छिपा कर रखा है। पुलिस के मुताबिक परिवार से 57 लाख रुपए की एक डील की गई और ये खबर लीक होने के बाद आरोपियों ने 60 लाख की फिरौती मांगी। अपहरण के लिए 3 बार कोशिश नाकाम रही लेकिन चौथी बार वारदात को अंजाम दिया गया था। इनमें से एक आदमी जिसका नाम नितिन शर्मा है, ये गोकुलपुरी का रहने वाला, इनफैक्ट तीनों लोग ये गोकुलपुरी के रहने वाले हैं, ये 12वीं क्लास तक पढ़ा है नितिन शर्मा। इसको उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते वक्त हमारी टीम ने इंटरसेप्ट किया और इसका इंट्रोगेशन किया। तो इनको नॉक करके इनको पहले बताया गया कि आप ये पुलिस हैं और ये आपके पास बच्चे, आप सरेंडर कीजिए। इसी दौरान अंदर से फायर हुआ, एक फायर हुआ, फिर दो फायर हुए और फिर अंदर से ये भी आया कि भाई हम बच्चे को हम पहुँचाएँगे, पुलिस टीम यहाँ से जाए। पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए और बच्चे की सेफ्टी के लिए पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में फायर एक्सचेंज किया। हमारी तरफ से 3 राउंड फायर हुआ और किडनैपर की तरफ से 5 राउंड फायर हुआ। उनके पास से 2 7.65 mm पिस्टल मिले, जिसमें कि बैरल होते हैं जिसमें काफ़ी गोलियां आती हैं और उनके अंदर गोलियां उन्होंने 5 चलाई, उसके बावजूद भी उनके दोनों चैम्बर में और भी गोलियां थीं। फिर टीम ने अंदर गए और बच्चे को जो अंदर वाले कमरे में डर के मारे पलंग के नीचे छुप गया था उसको निकाला। बच्चा काफ़ी डरा हुआ था, इनफैक्ट हम लोगों को देख के भी डर रहा था। उसको डॉक्टर नायक ने चीज़ें, इन्होंने उसको कंफर्ट थी और उसको लेके आए। तो हम साहिबाबाद गाजियाबाद के शालीमार सिटी अपार्टमेंट में हैं। शालीमार सिटी अपार्टमेंट में एनकाउंटर बीती रात लगभग 12:30 बजे के आसपास हुआ था। 12 दिन बाद उस बच्चे को रिकवर कराया गया, जिसे 25 जनवरी की सुबह दिल्ली के शाहदरा इलाके में स्कूल बस से किडनैप किया गया था। इस किडनैपिंग में दो हमलावर बताए गए थे जो बाइक में थे और उसके बाद बीती रात की जो घटना है वो यहाँ पर इस 505 नंबर के फ्लैट में बताई जा रही है। शालीमार सिटी अपार्टमेंट का ये फ्लैट है 5वें फ्लोर पर और जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पहुँची और उसने सबसे पहले यहाँ पर नॉक किया, क्योंकि एक तीसरा किडनैपर जो है पुलिस के पास था, उसकी निशानदेही पर यहाँ पर पुलिस की टीमें पहुँची थी। तो उन लोगों ने पुलिस पर तुरंत फायर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने जब अपना जवाबी हमला किया, क्योंकि जब पुलिस पार्टी पर फायर किया गया था तो ये देखिए दरवाजे के अंदर से गोलियां मारी गई हैं। ये स्पॉट गोलियों के आप देख सकते हैं, इस तरह से दीवार पर भी यहाँ पर
ये गोलियों के निशान आप देख सकते हैं, ये सारे निशान जो है गोलियों के हैं और पुलिस पार्टी पर फायर किया गया था और दरवाजा तक ये टेढ़ा गया गया है, जिसके बाद पुलिस पार्टी ने जब जवाबी काउंटर फायर किया है तो उसके बाद यहाँ पर इस कमरे के अंदर जो किडनैपर थे उनमें एक रवि नाम का शख्स था, उस किडनैपर की मौत हुई, उसे गोली लगी। वहीं दूसरी तरफ पंकज नाम के दूसरे किडनैपर को गोली लगी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये किडनैपर लगभग 7-8 महीने से यहाँ पर किराए पर रह रहे थे और हालांकि पड़ोस के लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, उनकी आवाजाही पर किसी को कोई शक नहीं था, लेकिन पड़ोसियों ने यह भी बताया कि कुछ महिलाओं ने यह बताया कि यहाँ पर बच्चे के रोने की आवाज़ भी आती थी। पुलिस पार्टी जब यहाँ पर पहुँची थी तो उन्होंने एनकाउंटर में जब दोनों को गोली मारी उसके बाद बच्चा जो है इस कमरे में था, बच्चा इस कमरे में था और क्राइम ब्रांच की टीम का ये कहना है कि जब वो यहाँ पहुँचे तो बच्चा इस कमरे में इस कोने में दुबक गया था डर की वजह से, क्योंकि गोलियाँ चली अचानक आवाज़ें आई तो यहाँ पर बच्चा दुबका, जबकि जब बच्चों को प्यार से फुसलाया गया तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें और मिली, जैसे केक का डिब्बा, ये केक और कई सारी टॉफीज़ यहाँ पर रखी हैं ताकि बच्चे को जो है यहाँ पर बहला कर फुसला कर रखा जाए। वहीं सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों को यहीं पर रखा जाता था और यहाँ पर शराब भी यहाँ पर बरामद हुई है। वहीं एक चीज़ और हम दिखाना चाहेंगे, ये सबसे अहम चीज़ थी क्योंकि टॉफियाँ ये बच्चों को रिझाने के लिए, आप देख सकते हैं ये टॉफ़ी बच्चे को खिलाने के लिए ताकि बच्चा जो है आवाज़ ना कर सके, ज़ोर से चीखे ना चिल्लाए। ये चॉकलेट, बच्चे के लिए चॉकलेट भी यहाँ पर रखी जाती थी, बच्चे के लिए टॉफियाँ यहाँ पर रखी जाती थी ताकि बच्चा जो है चिल्लाए ना। ये पूरा पैकेट यहाँ पर रखा गया था ताकि बच्चे को यहाँ पर शांत करने के लिए, यहाँ पर लंबे समय तक रखने के लिए ये चीज़ें इससे सारी कवायद की गई थी। वहीं एक और चीज़ सबसे अहम वो थी ये कि बच्चे को रिझाने के लिए यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम था। अभी आप इस म्यूजिक सिस्टम में साउंड देखिए, ये बच्चे को यहाँ पर जो थे ये म्यूजिक वगैरह सुनाकर भी बच्चे का जो है मन, ताकि बच्चा जो है अपने परिवार की याद में ज़्यादा ना रोए, इस चीज़ों को, इन चीज़ों को यहाँ पर रखा गया था। और ये सारी चीज़ें जो है किडनैपरों ने काफ़ी समय से रखी थी क्योंकि बच्चों को रिझाने के, ताकि क्योंकि बच्चों को ये जब यहाँ लेकर आए थे तो इन लोगों ने यहाँ से बच्चों को बाहर नहीं निकाला था। दिन में एक आध बार बच्चे की रोने की आवाज़ पड़ोसियों ने सुनी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर बच्चा कब से यहाँ पर रह रहा था, कब यहाँ पर लेकर आया था, इस पूरे मामले में पुलिस पूछताछ करेगी।